तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दुबई से किस तरीके से हम लोग ऑक्शन पे सस्ती गाड़ियां सऊदी अरब में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है emiratauctions.com। तो यहाँ पर आप डिफरेंट गाड़ियां देखें, कुछ अबेंडेंट कार्स भी हैं, लेकिन सऊदीया में मंगाने के लिए 5 साल पुरानी गाड़ी होनी चाहिए। तो चलें, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अभी आप जिस तरह ये गाड़ी देख सकते हैं, रेनॉल्ट, ये है 2016 मॉडल और इसकी करंट बिड अभी तक 25,000 लगी हुई है। और ये हुंडई एक्सेंडर 2017 मॉडल और इसकी करंट बिड अभी तक 18,000 लगी हुई है और किसी ने बिड नहीं किया अभी तक इसमें। और इसके अभी 1 दिन और 7 घंटे बाकी हैं इसमें और ये एंड हो रही है 5 जुलाई को। इसी तरह ये हुंडई एक्सेंट है नीचे वाली, 2017 मॉडल है, इसमें भी किसी ने बिड नहीं किया अभी तक। लिंकन जो है 2017 मॉडल 72,000 की लगी हुई है। होंडा अकॉर्ड जो है ये लगी हुई है 23,000 की। ठीक है, ये देखें आप, होंडा अकॉर्ड 23,000 की लगी हुई है, इसमें भी किसी ने बिड नहीं की और ये भी 1 दिन बाद एक्सपायर हो रही है इसकी बिडिंग। और ये चली है 156,000 किलोमीटर्स। अगर सऊदीया में, अगर इसकी हम प्राइस देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर सऊदीया में अभी इसकी प्राइस देखें तो क्या है। तो इसकी प्राइस आ रही है तकरीबन 55,000, 55,000, 2 लाख चली हुई है 59, 45, ये थोड़ी बेहतर है, लेकिन ये चली हुई है 140, 55,000, 60,000, तो इस तरह इसकी प्राइस आ रही है 45, 65। गाड़ी का मसला तो ये है कि उसको हम लोग सऊदीया ला नहीं सकते, तो उसको हम छोड़ते हैं फिलहाल। और मिस्टर लांसर देखें, 2016 मॉडल, ये चली हुई है 2 लाख चली हुई है और इसकी अभी तक बिड लगी है 14,400। लेकिन मैं इसी वीडियो के एंड तक जब आप देखेंगे तो मैं कल लाइव आपको बिडिंग दिखाऊंगा। जब ये टाइम ख़त्म होने लगता है ना, तो उस टाइम असल प्राइस आ रही होती है इनकी। तो उस टाइम जो है ना, कुछ लोग बिजनेस करने वाले भी ख़रीदते हैं, वो तो कम प्राइस में ख़रीदते हैं, लेकिन जो लोग खुद यूज़ के लिए ख़रीद रहे होते हैं तो वो इतनी प्राइस होती है कि सऊदीया में जो है ना, कम से कम आपको 5-6 हज़ार रियाल कम की मिल जाती है वो गाड़ी। अगर 20,000 की वहाँ से ले रहे हैं तो यहाँ पे आराम आराम से बिल्कुल नाना करते हुए भी 25,000, 26,000 की सारे खर्चे के बाद निकल जाएगी, सेल हो जाएगी, आपको 5-6 हज़ार प्रॉफिट हो जाएगा आराम से। तो इसकी हम तस्वीरें वगैरह देख लेते हैं, ज़रा देखें कितनी साफ़ गाड़ी है। लेकिन यहाँ से बड़ी सख्त इसका एक्सीडेंट हुआ हुआ है। तो ये इसके अंदर से है, ये बिल्कुल एक एक चीज़ दिखा देते हैं, ये जो इसकी असल शक्ल है ना गाड़ी की, बिल्कुल वो दिखा देते हैं। और बहुत सी गाड़ियों में यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट भी लगा होता है साथ, इसमें भी लगा हुआ है, जैसे ये देख सकते हैं आप। तो इस ऑक्शन में जो है ना, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कोई भी। तो ये मैं आपको जूम करके भी थोड़ा दिखाता हूँ कि ये देखें ज़रा, इसमें ब्रेक टेस्ट पास है, इसका एग्जॉस्ट टेस्ट भी पास है। और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रंट बहुत रेयर, टायर्स ओल्ड हैं, क्रैक हैं वो, चेसिस इसकी ठीक है, इंजन गियर भी ओके है और रीपेंटेड है गाड़ी। तो इस तरह जो है ना, आपको पूरी डिटेल पता चल जाती है, ये कोई इनकी कंपनी है तस्जील। तो ये जो है ना, सब गाड़ियों में तकरीबन ये कंप्यूटर पेपर लगा होता है, कंप्यूटर पेपर के बगैर आपने लेनी ही नहीं है। और इसके अलावा अगर आप देखें आगे मजीद, हुंडई सनाटा लगी हुई है 18,900 की, एक्सेंट 12,600 की। आप इस तरह देखते हैं, सेंटाफी लगी हुई है 12,600 की, लेकिन इसकी कल असल प्राइस पता चलेगी इन सब गाड़ियों की। ठीक है, फोर्ड एज 28,000 की। तो मैं कल आपको, जब ये बिड ख़त्म होने वाली होगी, तो मैं वीडियो को फिर आखिरी टाइम पे खोलूँगा, कल इसी टाइम पे जब ये ख़त्म हो रही होगी, कल 6 बजे से पहले दुबई टाइमिंग से। तो ये देखें, 2015 मॉडल होंडा अकॉर्ड कितनी प्यारी है, और ये 31,500 की इसकी अभी स्टार्टिंग बिड लगी हुई है। तो इसको भी देख लेते हैं कि ये कैसी है गाड़ी, इसको ज़रा चेक करते हैं। ठीक है, गाड़ी तो बहुत प्यारी है, इसका टायर फटा हुआ लग रहा है, बहुत खूबसूरत गाड़ी है। 2016
2015 मॉडल मेरा ख्याल है मैक्सिमम मैक्सिमम जो है ना वहाँ पे 35 से ऊपर तो नहीं जानी चाहिए, और यहाँ पे इसकी प्राइस आराम से 50 प्लस है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, और इंशाल्लाह मैं कल जो है ना आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा आगे कि कितने की गाड़ी है, कितने की एंड बिल्ड कितने पे क्लोज हुई है इन सब की। ठीक है, तो उस उधर से आपको आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे ऑक्शन पे गाड़ियाँ कितने की ऑनलाइन जो है ना बिकती हैं। 2015 इसकी 6 लोगों ने बिड की हुई है और 800 दिरहम लगी हुई है इसकी प्राइस, लेकिन ये जाएगी आराम से 20 तक जाएगी, आराम से 20 25 शायद 30 तक भी जा सकती है, लेकिन ये शायद बहुत ज़्यादा चली हुई है तो इसके 20 से ऊपर तो नहीं जानी चाहिए मेरा ख्याल है। अच्छा, तो इस तरह आप देख सकते हैं और भी बहुत सी गाड़ियाँ इधर आती रहती हैं। ये शेवरलेट की जीप है, बड़ी ज़बरदस्त 2016 मॉडल है, खाली 64,000 चली हुई है। अच्छा, इसमें यहाँ पे क्लियरली लिखा भी होता है GCC की है या USA की है, ये देखें 2017 मॉडल टोयोटा 86 की, बहुत प्यारी स्पोर्ट्स कार है। इसकी हम तस्वीरें भी देख लेते हैं ज़रा। टोयोटा की बहुत ज़बरदस्त प्यारी स्पोर्ट्स कार है, खाली 90,000 चली हुई है ये। अच्छा, ये देखें आप, अब देखें कल इसकी बिट कितने पे ख़त्म होती है, बहुत प्यारी गाड़ी है। कैमरों भी लगी हुई है और बहुत सी गाड़ियां हैं इधर, चलें देखते हैं कल इंशाल्लाह। और इसके अलावा मैं आप लोगों को दुबई की जो वेबसाइट्स हैं लोकल, वहाँ पे यूज़ गाड़ियों की प्राइस और इधर की प्राइस के कार्स की कंपैरिजन भी करके आपको दिखाऊंगा कि कितना फ़र्क है। तो अगर आप लोगों के पास बजट है 40,000 तक का, कोई गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं, तो दुबई एक बेस्ट ऑप्शन है गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए। और सऊदी अरब में जो एक्सपेट्रिएट्स हैं वो मेरे 3 साल में सिर्फ एक दफ़ा गाड़ी को इंपोर्ट कर सकते हैं दुबई से, तो ख्याल रहे कि बस आप अच्छे तरीके से कोई अच्छी सी गाड़ी चूज़ करके दुबई से, अगर आपका प्लान बन रहा हो तो आप वहाँ से बाई कर सकते हैं।